बाबा बुढ़ा साहब जी देखो जे रब का रूप बनते हैं कि नहीं जपण वाले। बाबा बुढ़ा साहब जी समा केड़ा गुरु अंगद देव जी का राय बलवंड जी नू कहंदे है। हुण मैनू ओह बोली बोलनी पैणी है जी महिमा प्रकाश जिहड़ी लिखी है सुणो ध्यान नाल हरी दा रूप बणदे कि नहीं जपण वाले। राय बलवंड नू बाबा बुढ़ा साहब कहंदे शब्द सुणन दी लोचा है आको साधना। हुण तुसीं किहड़े भागां लियो ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਡੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਵੀ ਸੀਡੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੁਣ ਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੂਜਾ ਸੁਣਦਾ ਅਮਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋਚਾ ਹੈ। हुण मैनूं शब्द बोलने पैणे आ अगों राय बलवंड पता की कहिंदे चौंकी के वक्त शब्द पढ़ांगा। जदों चौंकी हुंदी ना शब्द दी हरिमंदर साहिब चौंकियां नाल कीर्तन हुंदा तिन पैरे दी चौंकी आसा दी वार दी चौंकी बिलावल दी चौंकी सोधर दी चौंकी दुपहरी चरण कमल दी चौंकी। राय बलवंड पता की कहिंदे चौंकी के वक्त शब्द पढ़ांगा तब सुन लई बुढ़िया बोलना पै रहा जी। चौंकी के वक्त शब्द पढ़ांगा तब सुन लई बुढ़िया किस किस अगे शब्द पढ़ा आको साधना। अज तुम कह रहे हो कल और कोई कहेगा मैं किस किस अगे शब्द पढ़ा चौंकी के वक्त शब्द पढ़ूंगा तब सुन लेना आको साधना। बाबा जी चुप कर गए दूजे पातशाह नूं पता लग गया जदों चौंकी दा समा होया राय बलवंड कीर्तन करदे सी गुरु दरबार जदों चौंकी दा समा होया गुरु अंगद साहब जी ने हाजरी नहीं दित्ती आखो सतनाम समा ही नहीं दित्ता। कई जगह कहिंदे पिट कर ली कुछ समय नहीं कई जगह लिखा हाजरी नहीं दित्ती समा ही नहीं दित्ता। महाराज अज सेवा नहीं लेनी अगों गुरु अंगद साहब कहते जिनों मैनु भुख लगी उदों ते सुनाया नहीं आखो साधना। हुण देखो जपण वाले का किन्ना सत्कार है जरा सुन लो जो प्राणी निस दिन भजे रूप राम ते जान। गुरु अंगद साहब कहते जदों मैनु भुख लगी उदों सुनाया नहीं। गल जो मैं गल विच कर रहा भाई मरदाना जी दे बेटे मीर रजादा नूं रवाब दित्ती उहदे कोल चौंकी दी हाजरी करवाई आखो सतनाम। इह विचों गल पूरी करनी पैंदी माड़ी उहनां नूं नहीं गुरु अंगद साहिब कहिंदे जदों मैनूं भुख लगी उदों सुनाया नहीं। अरदासां करियो होमे तों बचा के रखे अजे भी नहीं समझे राय बलवंड वो जेडे लफज कहे मैनू बोलने पैने सुनो ध्यान गुरु अंगद साहब कहते जो मैनू भुख लगी उदों सुनाया नहीं। कह देंदे माफी दे दो भोलो पता की कहते कहते जी साडे पास बाबे की बाणी है। राय बलवंड कहते साडे पास बाबे की बाणी है किसे होर द्वारे जाके पूरना कर लवांगे जो लफज लिखे मैं वो बोलदा मैं पूरना कर लांगे भी असीं अपनी जिहड़ियां जरूरतां ने किसे होर द्वारे गा के पूरा कर लांगे उहनां नूं। महिमा प्रकाश जिथे जाए कोई चीने नाई बुलाए नाई सदे नाई आखो सतनाम। हुण चीने दा मैनूं अर्थ लभा नहीं टाइम थोड़ा सी जरा कुछ समझ लो भी जिथे जान पहले तो कहता साडे पास बाबे दी बाणी है किसे होर द्वारे जाके पूरना कर लांगे आखो साधना। फिर लिखे महिमा प्रकाश कहते जिथे जाए
कोई चीने नहीं बुलाए नहीं सदे नहीं पांच रातां अन्न भी ना प्राप्त होया आखो साधना पांच रातां थोड़ी टिकाने आ गई लथ गई गुरु करके असी हैं साडे करके गुरु अंगद साहब पास गए खेमा कर दे गुरु अंगद साहब कहते बाबा बूढ़ा खेमा करे तो हासी करांगे आखो साधना हाँ देखो पंक्ति दे अर्थ हो रहे हैं जो प्राणी निस दिन भजे रूप राम तै सिमरन विच नाम किन्नी ताकत है गुरु मिठ नहीं लगन देना अपना रूप बना दे हर जन हर अंदर नहीं नानक साची मान ओ हर जन हर अंदर नहीं नानक साची मान महाराज खेमा दे दो कहते बाबा बूढ़ा खेमा करे हूं बाबा बूढ़ा जी को गए बाबा जी खेमा दवा दे आखो साधना बाबा जी चौड़े नहीं हो गए बाबा जी कहते मेरे दिल से देखो जी आओ मैं नाल चलदा आखो साधना बाबा बूढ़ा जी गए तो गुरु अंगद साहब जी कहते जी खेमा कर गुरसिख के अंदर नहीं मैं गुरु अंगद साहब ने भजन किया कहते रायपुर मंडल जी ने जदों कोई बाबे बुढ़ा जी वर्गा गुरु सिख प्रेम बस कुछ कहता उस वेले ओ नहीं कह रहा था ओदे विच गुरु आप बैठ के कह रहा है इन्ना सरकार नाम क्या बात ये महिमा प्रकाश साडा इतिहास जिथो इतिहास बोले जाते माड़ा सुन लियो जरा महिमा प्रकाश होए सतगुर दयाल कयो समझाए होए सतगुर दयाल कयो समझाए ये गुरु साहब ने रायबल मंड जी ने समझाया पौन सिख मन भंग ना करन ताए आज तो बाद मेरे किसे सिख का दिल ना तोड़े हो आखो साधना जिकारा दे प्यार दे साड़ी सिखी होए सतगुरु दयाल कयो समझाए पौन सिख मन भंग ना करन ताए भंग अर्थ थे मेरे किस सिख का दिल ना दुखी करे करेगा प्यार कोई ना सिखन के मन मैं रहूं एक गुरु अंगद साहब कह रहे हैं मैं मां प्रकाश दी पंक्ति है सिखन के मन मैं रहूं निज मत में तो को कहूं रायबल मंड जी कहते मैं तुम्हें मत दे रहा सिखा दे मना विच मैं रहना कह दो गज के साथ उधरों घड़ी वाजा मार दी उधरों दूजी चौंकी आन डही गई धारना ला दिया आखो साधना गुरु का प्यार वेख प्यार नहीं लाड लटंदा जी गुरु नानक वर्गा गुरु नानक वर्गा कोई नहीं लाड लटंदा जी गुरु नानक वर्गा गुरु नानक वर्गा नहीं लाड लटंदा जी गुरु नानक वर्गा गुरु नानक वर्गा नहीं लाड लटंदा जी गुरु नानक ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜਾਏ ਚੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਹੋਏ ਲੈਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਦਰ
ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਸਿਮਰਨ ਤਾਏ ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੁਰ ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਪਾਏ ਕੋਟੀ ਅਗਰ ਭਾਗ ਲਗੇ ਤਾਏ ਗੁਰ ਸਰਬਨੇ ਰਾਮ ਦਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਦੈਨ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਬੋਲ ਨਮੋ 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 ਨੇਵ ਨੇਵ ਨੇਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਾਟ छोटिया गल सिखन के मन में मैं रहूं महिमा प्रकाश ये निज मत मैं तो को कहूं गुरमुख सिख रूप मम जानो मम रूप मम मेरा रूप गुरसिख नु मेरा रूप समझे राय बलवंड जी गुरमुख सिख रूप मम जानो या मैं रंजक भेद ना आनो हुण तुसी साखी सुनी ये ओ नौवे महल्ले दे श्लोक दे 29वें श्लोक नाल रलदी है जो प्राणी निस दिन भजे रूप राम तै जाग तै नर हर अंतर नहीं नानक साची धन गुरु तेग बहादुर साहिब तेग बहादुर साहिब धन गुरु तेग बहादुर साहिब धन गुरु तेग बहादुर साहिब